हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कैनन के जो मशीन फोटोकॉपियर मशीन आता है तो उसमें एक कॉमन प्रॉब्लम आता है E007। मतलब उसका जो फ्यूज़र यूनिट का प्रॉब्लम आता है, टेप्लन ख़राब हो जाने से आता है, तो उसका एरर आता है E007 -001 आता है, -002 आता है। तो ये E007 का जो एरर आता है वो क्यों आता है, उसको नॉर्मली आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसका डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। नॉर्मली आप कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, 007 जो आता है उसको कैसे आप चेक करेंगे और कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सारे कैनन के मॉडल में आपको E007 एरर जब आया तो वो आता है फ्यूजर यूनिट के बारे में। फ्यूजर यूनिट का जो फ्यूजर यूनिट आता है उसके इसमें आता है। जो भी मशीन आपका टेप्लॉन बेस्ड मशीन है, टेप्लॉन जानते होंगे आपको, उसको फ्यूजर फिल्म भी बोलते हैं, तो उस बेस का कोई भी मशीन हो तो उसको आपको उसमें आपको E007 एरर आना है। कभी कभी E007 एरर आता क्यों है मैं आपको बता दूं। तो E007 एरर जो आता है वो आपका टेप्लन अगर ख़राब हो गया या फिर टेप्लन के में एक सेंसर लगा होता है, वो तो सेंसर अगर आपका घिस जाए और या फिर वो जो टेप्लन को जो सेंस करता है जो सेंसर, उसमें अगर डस्ट आ जाए तो ये चीज़ प्रॉब्लम होती है, या फिर टेप्लन फट जाए, तो ये सब होने से आप, या फिर आपका टेप्लन सही से रोटेशन नहीं हुए, जैसे कि मशीन आप ऑन करेंगे कुछ टाइम के बाद फिर टेप्लन ऑटोमेटिकली एक रोटेशन लेता है, तो उस रोटेशन के टाइम में अगर टेप्लन आपका सही से रोटेशन नहीं होगा तो फिर भी तब भी आपका E007 एरर आएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको आज बताऊंगा। ऑलरेडी सारे कैनन के मॉडल में फिक्सिंग यूनिट अलग अलग तरीके का खोलने का होता है, वो मेरे पास ऑलरेडी एक 2870 का फ्यूजिंग यूनिट हैगा, तो मैं इसको कैसे बताऊंगा। तो इसका एक्चुअली टेप्लॉन चेंज करने का वीडियो मैंने बना दिया है इसके पहले, और अगर मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा आप उसको देख के टेप्लॉन चेंज भी कर सकते हैं। तो क्यों आता है, उसको कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसका तरीका मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ आपको कैसे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अभी मेरे पास एक 2870 का फिल्म यूनिट है, जो कि फ्यूजन एंड भी बोलते हैं, इसके अंदर टेप्लॉन लगता है। ठीक है, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो आपका ब्राउन कलर का दिख रहा है ये आपका फ्यूज़र, सॉरी, इसको आपको फिल्म बोलते हैं और टेप्लॉन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको फ्यूज़र। तो इस साइड में आप देखेंगे आपका दोनों साइड में, एक साइड में आपका ब्लैक कलर का एक कोटेड होगा फिल्म में, और उसके में एक ठो व्हाइट कलर का एक छोटा सा आपका व्हाइट कलर टाइप का एक ठो होगा, तो उसी को आप सेंसर बोलते हैं फिल्म में। तो पहले आप निकाल के आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा फिल्म आपका फटा है या फिर घूम नहीं रहा है। ठीक है, तो आप पहले उसको फिर निकाल के देखेंगे, तो यहाँ से आप घुमा के देखेंगे तो फिल्म आपका घूमना चाहिए। ठीक है, अगर ये फिल्म आपका नहीं घूमेगा तो समझेंगे आप इसका ग्रीस जो हैगा वो सूख गया, इसके अंदर जो ग्रीस लगा होता है वो सूख गया होता है, तो उसको आप ओपन करके, उसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया, उसको ओपन करके आप उसको ग्रीस करके फिर से टेप्लन लगा सकते हैं। या अगर आपका फिल्म घूम रहा है, ठीक है, अगर आपसे आप लॉक करके इसको यहाँ से गियर को पकड़ के घुमाएंगे, देखेंगे जो यहाँ पर व्हाइट ब्लैक कलर का दिख रहा है, तो ये अगर घूमेगा तो इसके अंदर एक व्हाइट कलर का सेंसर टाइप का लगा होता है, तो अगर वो घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, अगर रोलर घुमाएंगे तो अगर घूम रहा है तो समझेंगे आपका टेप्लन सही है। तो ये जो व्हाइट कलर का सेंसर इसके यहाँ पर होता है एक, तो उसके ऊपर में एक आपका ग्रीस जो होता है वो आ जाता है, उसके ऊपर हल्का सा ग्रीस आपका जो चलते चलते मशीन उसके ऊपर थोड़ा ग्रीस आ जाता है, धूल आ जाता है, और जो टोनर आपका जो गिरता है वो टोनर उसमें लग जाता है, लग जाने की वजह से तो इसमें आपका टेप्लन में आ जाता है, आपका E007 एरर आएगा। तो अगर आप उसको खोलना ना चाहें तो सिर्फ आप यहाँ से घुमा के उसको, तो यहाँ जब आपका आपका वाइट कलर दिखेगा तो आप यहाँ कपड़े से साफ करके तो आप चला सकते हैं, या फिर सारे मशीन में इसी तरीके का सेंसर दिया होता है। ठीक है, तो इसी तरीके का सेंसर दिया होता है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, खोल के दिखा रहा हूँ आपको, और सारे फ्यूजन यूनिट में इसी तरीके का एक सेंसर दिया होता है। तो इसको फिर ये सेंसर अगर भी आपका डस्ट हो जाए, मतलब जो ब्लैक, अक्सर आप मशीन जब ओपन करेंगे देखेंगे यहाँ, ये जो यहाँ पे ब्लैक सारा लग गया होता है,
तो इसको भी आप थोड़ा यहाँ से, और एक स्क्रू इसमें लगा होता है, किसी किसी में लॉक में लगा होता है, तो आप उसको खोल के तो यहाँ से इसको थोड़ा हवा मार के साफ कर सक, मतलब इसको ब्रश मार के आप साफ करके लगा सकते हैं। आपको जो व्हाइट कलर का बात आ रहा था, आप देखेंगे यहाँ पे से जो सेंसर दिख रहा है, देखिए इसके अंदर में देख सकते हैं, ये जो व्हाइट कलर का आपका दिख रहा है, ये जो एक साइड में ब्लैक होगा और ये जो व्हाइट होगा, ये व्हाइट होता सेंसर, इसमें आपका यहाँ पे जो सेंस होता है, ये जो सेंसर आप लगा हुआ है, देखिए ये सेंसर, ये सेंसर इसको सेंस करता है। जब ये आपका सही से रोटेट ना हो, मतलब आपका फिल्म आपका ग्रीस सूख गया हो, सही से रोटेट ना हो, तो तब भी ये एरर आएगा, या फिर जैसा इस ये जैसा सेंसर आपका डस्ट हो गया, मतलब मैल टाइप का हो गया, तो आपका ये अगर ख़राब हो जाए या फिर डस्टी टाइप का हो जाए, मैल लग जाए उसमें, या फिर टोनर जो उड़ता है वो टोनर लग जाए, या फिर ग्रीस आपका जो फिल्म में होता है कभी कभी ज़्यादा ग्रीस हो जाने की वजह से उसमें भी लग जाता है, तो उस वो हो जाने की वजह से भी आपका 007 एरर आएगा। तो आप उसको ना खोल के भी आप यहीं से आप साफ़ कर सकते हैं, या फिर इस साइड से भी आप साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। ये साफ़ कर देने के बाद में आपका 007 एरर जो है वो हट जाएगा। अगर आपका टेप्लन पूरा ख़राब हो गया है, फट गया है, तो आपको इसको पूरा खोल के टेप्लन आपको चेंज करना होगा। तो इसको खोल के जो चेंज करते हैं, तो इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है यूट्यूब पे, आप चाहें तो इसके वीडियो के आखिर में भी मैं वो लिंक दे दूंगा, और आपका आई बटन में भी लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। अगर आपका टेप्लन फट जाए पूरा, देखिए कैसे टेप्लन कैसे फटता है, ठीक है, इस तरीके का अगर टेप्लन फट जाए तो आपको टेप्लन चेंज करना होगा। तो पूरा फ्यूजर यूनिट खोल के आपको इसका टेप्लन चेंज करना होता है, तो इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो दिया, वो बनाया हुआ है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये था इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन। इस सारे में आपको कोई भी मॉडल ले लो, आपका ये जो इस टाइप का फिक्सिंग यूनिट आपको 2870x70x22x30x45x70 आपका 3235, ये सारे कैनन के मॉडल में इसी तरीके का होगा। अगर 2002 और 2420 का ले लो, थोड़ा सा अलग है, लेकिन आपका चाहें तो आप खोल के उसको कर सकते हो, थोड़ा सा हिम्मत अगर आप करेंगे तो उसको भी आप खोल के कर सकते हैं। ये जो मॉडल है ये 2870 का मॉडल है, तो इसमें भी आप सारे में चीज़ सेम ही होता है, टेप्लन भी सेम ही लगता है। तो प्रॉब्लम ये होता है कि देखिए आप क्या होता है ना, अगर बार बार आपका E007 एरर आए, तो आपको फिल्म खोलना है, फिल्म खोलने के बाद में आपको पहले चेक करना है फिल्म आपका सही से घूम रहा है कि नहीं। अगर आपका सही से घूम रहा है, तो आप उसमें देखेंगे जो व्हाइट कलर का जो आपका जो टेप्लन के एक साइड में, टेप्लन के एक साइड में आपका ब्लैक कलर का होगा, उसके ऊपर एक छोटा सा स्ट्रिप लगा होगा आपका व्हाइट कलर का, ठीक है। तो उसको आप थोड़ा साफ करके फिर से चला के लगा के देखेंगे तो वो चलेगा। अगर आपका ना हो तो आप फिर खोल के फिर उसको फिल्म ग्रीस कर सकते हैं, उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बनाया मैंने, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये था बेसिक E007 एरर के बारे में, तो बस इतना ही है इसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं है। आप अगर टेप्लन ख़राब हो तो टेप्लन चेंज करेंगे, अगर मैल हो तो उसको साफ करके फिर से आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।